डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान सीरीज़ में हम लोग गवादर शहर की सैर कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग कोहे बातिल पर गए, जहां फ्लैग पोस्ट से सिटी व्यू किया। इसके बाद कोहे बातिल के दामन में ही वाकया हसीन गवादर क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया और उसके बाद गवादर जेटी पर लोकल लाइफ देखी। आज के एपिसोड में हम बाकी मांदा सनसेट व्यू पॉइंट देखेंगे और आवारागर्दी का निज़ाम कायम करते हुए हैमरहेड ब्रिज पर जाएंगे, जबकि रात का वक्त गुजारेंगे मरीन ड्राइव पर और अभी यह निज़ाम स्टार्ट करने से पहले लंच करेंगे। तो फिर गुज़िश्ता से व्यवस्था हो जाइए और निकलते हैं गवादर में खुराक की तलाश पर। अभी गवादर शहर का जो बाजार है हमने वो फिरा है और खाने के लिए जो मैंने चीज़ें देखी हैं वहाँ के साथ मुझे तो वो अच्छी नहीं लगी। जो हालात और सफाई का सिस्टम लग रहा था मेरा नहीं दिल किया वहाँ से खाना खाने का। जिस होटल में मैं रुका हुआ उनका किचन बहुत अच्छा है तो मैंने फिर उनकी कॉल करके ऑर्डर किया खाना खाने का। तो खाने की ब्रेक है आज। तो ऑर्डर मेरा जो था उसमें थी इनकी एक फ़िश है, मेन्यू का खैर फ़िश का ही यहाँ पे चलता है, 5-6 तरह की फ़िश थी। तो मैंने कहा यार जो आपकी सबसे अच्छी फ़िश है ना आप वो लेके आएँ। और इस फ़िश का मुझे 2-3 लोगों ने रिकमेंड भी किया यहाँ पे कि आप इनकी ये वाली फ़िश खा के देखें। दो हिस्से में पहले ही खा चुका हूँ। ये इसको तिल लगे हुए हैं जैसे चिकन दाबू होता है ना, उसी तरह का इसको फ्राई किया हुआ है और ये इतनी मज़े की फ़िश है ना मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने रात में भी यही खाई थी। साथ चिकन पुलाव सिंपल और साथ मूँग की दाल है। ये जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि फ़िश समंदरी है। नॉर्मली हम लोगों को जो फ्रेश वाटर मछली खाते हैं उनको स्मेल आती है, इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। और ऐसी कोई ज़बरदस्त मछली है ना, इसको मैं कसम से 10/10 नंबर दूंगा। साथ इसमें रख लेंगे थोड़ा सा प्याज। आज हमें सारा दिन पहले भी कोशिश हमने की कि हम गवादर का ट्रेडिशनल फूड भी ट्राई करें, लेकिन फिर वो कुछ अनहाइजीन देख के हमने कहा कि नहीं यार, जो हमारा होटल जहाँ स्टे है हम वहीं पे खाना खाते हैं। तो आज हमें दाल मूंग इनसे करवाई है और साथ में पुलाव है। और ये भी इनकी लोकल डिश लोकल खाते हैं। ये जैसे नॉर्थ में जाएँ तो लोबिया लोबिया खाते हैं, यहाँ पर दाल मूंग चल रही है बिल्कुल। और बहुत ज़बरदस्त आपको वही घर वाला टेस्ट लग रहा है और मसाले भी बड़े नॉर्मल से हैं। पुलाव भी बड़ा अच्छा है। पुलाव भी बहुत अच्छा। पुलाव भी ट्राई कर पहले। हाँ यही कह रहा हूँ, भी डिसेंट बन जाता है वीडियो पे। पुलाव भी बहुत अच्छा है। गवादर शहर में जब आप पीसी होटल की तरफ ट्रैवल करते हैं तो कोहे बातिल पर पीसी को जाने वाली आखिरी सड़क से आप किसी भी कट से सीधे हाथ मुड़ जाएं और फिर अरेबियन सी के साथ साथ सफ़र करते हुए आप इस सड़क के एंड पर पहुंच जाएंगे। इस सड़क के राइट साइड पर सनसेट व्यू पार्क है जिसकी अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। ये एक छोटा लेकिन नहायत ही खूबसूरत पार्क है।
जबकि लेफ्ट साइड पर एक कच्चा रास्ता पार्किंग से नीचे की तरफ जा रहा है। ये व्यू जो आप देख रहे हैं कार पार्किंग से नज़र आता है और ये वाकई ब्रेथ टेकिंग है। ये रास्ता नीचे हैमर हेड बीच की तरफ जाएगा। रास्ता आसान है और यहाँ फैमिलीज भी जा सकती हैं। हम लोग सनसेट व्यू पॉइंट आए थे पार्क में, तो बड़ा अच्छा हुआ मैनेजमेंट ने हमें निकाल दिया क्योंकि उससे कहीं गुना जो है अच्छी जगह वो ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये चेक करें या नहीं। अच्छा मैं भी निकल जाऊं फ्रेम में से, और अच्छी लगे आपको। ये वाला हमने पॉइंट दिखाना है और ये हमारे पीछे रुस्तम भाई मुझे पता था, मैंने जान के कहा है। फैसल भाई जो है वो हमारी मुआवनत कर रहे हैं, तो फैसल भाई हम आ रहे हैं फिर अभी, हैं ठीक हो गया। इस बीच का रंग किनारों से हरा और गहराई से नीला नजर आता है। किनारों पर पीले रंग की रेत और पीछे हल्के पीले रंग के पहाड़ हैं। ये मंजर वाकई बहुत खूबसूरत है। अभी यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी शुरू नहीं हुई और बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जिस कदर ये खूबसूरत जगह है बहुत जल्द यहाँ लोगों का रश लगने वाला है। मैं खुद इस बीच की खूबसूरती में खो सा गया हूँ। अब्दुलरहमान साहब को गवादर अथॉरिटी की तरफ से, सी पैक अथॉरिटी की तरफ से बड़ी अच्छी जॉब ऑफर हुई है। ये जो आप देख रहे हैं लहरें आ रही हैं, वाइपर से इनको अंदर करना है, ठीक है जी। आपको 50,000 रुपया मिलेगा और नहाना फ्री, जितना मर्जी नहाओ, ठीक है। आओ मैं आपको आपकी साइट दिखा के हूँ, वर्क स्टेशन। व्हाट्सएप को मौका मिल गया आज एक सेल्फ प्रमोशन करने का, तो देखते हैं ये कैसा आता है यहाँ पे। मेरे पैर लगेंगे, खराब हो जाएगा। उसको सेट करते हैं बाद में, पहले लिख लो एक दफ़ा, फिर एक ही दफ़ा सेट करते हैं। जगह ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत। Thank you.
डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग में इस रेत पर ग्रिपन ट्रिप लिखने में काफ़ी टाइम लगा। खैर जैसा भी लिखा गया है ड्रोन शॉट तो मैं लाजमी लूँगा। और ये रहा मेरे हाथ से लिखा शाहकार, चेक करें कैसा है। उम्मीद करता हूँ ये वाला ग्रिप ऑन ट्रिप देखने के बाद भी आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, मुझे आप पर पूरी उम्मीद है। माशाल्लाह मज़ा आ गया यहाँ पे आके। और ये गोल्डन बीच जो फेमस था ये उससे ज़्यादा गोल्डन लग रहा है मुझे। पैच थोड़ा छोटा है लेकिन नहायत ही खूबसूरत है। और यहाँ आना भी बहुत आसान है, यहाँ पे फैमिली भी बड़े आराम से आ सकती है। यहाँ पे प्रॉपर पाथ बनाया गया है तो मैंने आपको दिखा भी दिया है। गाड़ी जहाँ से आप पार करते हैं 2 से 3 मिनट लगते हैं आपको नीचे आने में। यहाँ किसी भी नेटवर्क के सिग्नल नहीं आते जो कि बहुत अच्छी बात है। पानी का शोर है और हवा है और मैं इसके किनारे वॉक करता जा रहा हूँ। इस वक्त दिमाग में कोई भी बात नहीं चल रही और मैं यकसू होकर इस मंजर को महसूस कर रहा हूँ। और एक पाकिस्तानी होने के नाते अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा हूँ कि उसने हमें कितना खूबसूरत मुल्क दिया है। अभी शाम होने वाली है लिहाजा वापसी का सफ़र करते हैं। हैमरहेड बीच से फ्री होकर हम लोग होटल वापस आए और ड्रोन की बैटरी चार्ज करके वापस मरीन ड्राइव चले गए। मेरा होटल वैसे भी मरीन ड्राइव पर ही है और मैं वॉक करता हुआ यहाँ आ गया हूँ। दो दिन में कई दफ़ा हम यहाँ पे आए हैं, रात को भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। सेफ्टी यहाँ बहुत अच्छी है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हमने यहाँ बैठ के लोगों से बातें भी की हैं। ड्रोन शॉट भी शुक्र है बन गए हैं। वैसे निकाह जो मेरा ड्रोन है तो मेरा ख्याल था कि ड्रोन शायद प्रॉब्लम करेगा, लेकिन लाइट इतनी है, ड्रोन को उड़ने के लिए ना एक स्पेसिफिक लाइट चाहिए होती है, तो वो यहाँ पे इतनी है कि इजीली इसने फ्लाई किया है। और इसमें पानी का कलर भी आता रहा इवन के, मेरा ख्याल था कि पानी का कलर नहीं आएगा, लाइट उस तरफ कम है, लेकिन बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर आने का भी। अभी हम वॉक कर रहे हैं, ये 2 से 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी सड़क है तो बड़ा निज़ाम है यहाँ पर। मरीन ड्राइव इस वक्त जैसी आपको नज़र आ रही है ये इससे कई गुना ज़्यादा प्यारी जगह है और यहाँ आने का असल मज़ा रात को ही आता है। दिन के वक्त वैसे भी गर्मी कुछ ज़्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह
एक से एक बढ़कर चीज़ें होती रही हैं। और जब हम शाम को होटल में गए हैं तो लास्ट चीज़ रहती थी मरीन ड्राइव, ये जो रोड है ये मुझे लग रहा है शायद पिछली सब चीज़ों को काट गई है। यहाँ पे इतना खूबसूरत एहसास है, रात का लाइट है और नीलगू समुंदर तो नहीं है, ये ग्रीनगू है ग्रीनगू समुंदर है और चांदनी रात है तो पानी ऊपर आया हुआ है। कल यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, ये इतना नीचे था, मतलब कि लेग की बाउंड्री रखी हुई थी उन्होंने, इतना दूर था समुंदर और आज ये ऊपर आया हुआ है बिल्कुल। और हमने एक सांप भी देखा है और सांप अब्दुलरहमान को एक के कहता है ओए सांप, तो फिर वो वापस चला गया पानी में। बड़ा सड़क कैसी लगी आपको? सड़क बेहतरीन है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आते हुए हमें थोड़े सिक्योरिटी कंसर्न लग रहे थे, हम बड़ा सोच रहे थे कि उसको हम कैसे देखेंगे कैसे फेस करेंगे, बट इस वक्त मेरे ख्याल है 11:30 का वक्त है, 11:30 का, और हम इस वक्त फ्रीली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। कि आप रात में इतना लेट अकेले और ड्रोन भी लिया सब चीज़ों के साथ, हमारे गैजेट्स हमारे पास हैं, सही। सो हैट्स ऑफ टू आर्मी आई वुड से कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें ना सिर्फ मैनेज की हैं बट यहाँ पे लोगों को इंश्योर भी किया कि सेफ्टी है, और लोग बड़े मुतमिन हैं और लोग बड़े थैंकफुल भी हैं, बड़े थैंकफुल हैं। तो सुबह हम जब उठे तो हम सबसे पहले गए कोहे बातिल पे, तो बड़ा ही मज़ा आया एक्सपीरियंस आपने देखा हमारा। उसके बाद हम लोग गए नीचे क्रिकेट स्टेडियम, यार शाम को हमने मैच नहीं खेला वहाँ पे, हाँ वो हम दूसरा क्रिकेट देखने चले गए थे। हाँ और उसके बाद फिर हम कहाँ गए, खाना खाया, सनसेट पॉइंट है मेरे ख्याल वो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग जगह थी हमारे लिए, इन अ सेंस कि वहाँ जाके हमें वक्त का पता नहीं चला, सूरज कब ग़ुरूब हो गया। उसके बाद भी हमने काफ़ी वक्त वहाँ गुजारा, बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ भी की वहाँ पे, रोम अराउंड भी किया, और मेरे ख्याल में अभी तक का वन ऑफ द फाइनेस्ट बीचेस दैट वी हैव विजिटेड। बिल्कुल बिल्कुल, टर्की में हमने जो यॉट लिमानी वाला किया था ना, मैं से बड़ी तारीफ करता हूँ, यॉट लिमानी चल फार बेटर देन दैट। तो ग्वादर का शहर का इसमें यहाँ पे 3-4 जगह और भी हैं, ठीक है, लेकिन हमारी कल वापसी है। इंशाल्लाह आपका फीडबैक हमें बताएगा कि हमें यहाँ पे दोबारा आना चाहिए कि नहीं, और हमारा ये सफ़र आपको कैसा लगा। ग्रिपन ट्रिप को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय भी देती रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। ग्रिपन ट्रिप में बलोचिस्तान का सफ़र अभी जारी है, और अगर आप कोस्टल हाईवे का अमेजिंग सफ़र देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर गलियात में मौजूद एक इंतहाई सरसब्ज ट्रैक का दौरा करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।